जी लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोगों ने फंक्शंस को, ठीक है, फंक्शंस के ऊपर हम लोगों ने वर्क किया था और मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी थी कि आप लोगों ने फंक्शंस के यानी कि परसेंटेज कैलकुलेट बनाना है बट यूजिंग फंक्शन, और फंक्शन भी आप लोगों ने जो यूज करना है वो करना है पैरामीटर्स के साथ, ठीक है। तो आज हम जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो बिल्ट इन फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो बिल्ट इन फंक्शन के अंदर डेट फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, डेट के लिए कौन से किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, हम इसको यूज करेंगे, अप्लाई कर सकते हैं, डेट को कैसे फॉर्मेट किया जाता है पीएचपी के अंदर, तो वो हम करेंगे। तो सबसे पहले ये कि मैं ज़ैम्प को रन करवा लूं। और दूसरा मैं विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है जी। मैं इसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूं क्योंकि हम डेट फंक्शन को यूज करने वाले हैं, तो इसका नाम मैंने रख लिया डेट डॉट पी एच पी ये PHP के मैंने टैग लगा लिया। अब हम आगे चलते हैं, रीड कर लें। The PHP date function is used to format date and or a time. Its format as timestamp or more reliable date and time. For example, अगर मैं यहाँ पे PHP के अंदर यहाँ पे echo करवा देता हूँ, echo डेट का बिल्टन फंक्शन है, और अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूं तो हम देखते हैं क्या करता है ये हमारा लोकल होस्ट स्लैश टेक्निकल स्लैश डेट डॉट पी, उसने एरर दे दिया वो, क्योंकि उसको हमने पैरामीटर्स में कोई वैल्यू नहीं दी इसलिए उसने चलते हैं सिंपल। तो इसका बेसिकली ये कि इसके कुछ पैरामीटर्स है, एक है फॉर्मेट और दूसरा है टाइम स्टैम्प। अब फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट बेसिकली आप लोगों के पास है कि आप उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करवाते हो, डेज पहले लाने हैं मंथ। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे नीचे देखें, हमारे पास जो यहाँ पे शो हो रही है आपके पास डेट, उसके अंदर पहले डेट है, फिर उसके बाद मंथ है, फिर ईयर है। अगर आप कई आप लोगों ने फॉर्मेट ये भी देखा होगा कि पहले हमारे पास मंथ आ रहा होता है, फिर डेट आ रही होती है, फिर एयर आ रहा होता है, अक्सर ये होता है कि एयर हमारे पास पहले आ रहा है। तो ये आप लोग अपनी चॉइसेस के जरिए उसको फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। फिर टाइम स्टैम्प है, ये ऑप्शनल है बट फॉर्मेट बताना ये लाजमी है। फिर डिफॉल्ट टाइम स्टैम्प जो होता है वो करंट डेट का उसका होता है, करंट स्ट्रक्चर को उठाता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग चाहते हैं डेट के हम लोग ईयर को, तो आप यहां लिखेंगे वाई स्लैश कुछ, ये आपके पास एग्जांपल मौजूद है, ठीक है। तो आप उसको स्ट्रिंग के पैरामीटर्स देंगे, स्ट्रिंग पैरामीटर्स ये होते हैं कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में। अब आप उसे बताएंगे y स्लैश, अच्छा ये लोअर केस और अपर केस से भी डिफरेंस आएगा वो भी मैं आप लोगों को अप्लाई करके, y स्लैश मंथ स्लैश डेट, d स्टैंड फॉर डे। तो अगर अब मैं इसको फॉर एग्जीक्यूट करता हूं तो ये हमें उसने क्या दिया, 21 ईयर 02 मंथ, और ये मेरी डेट आ गई। अगर मैं यहां वाई वाई कर दूं, ठीक है, उसने एयर एयर, और अगर मैं यहां कैपिटल वाई कैपिटल एम और यहां पे डैश कर दूं डैश डी, ठीक है, आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। उसने दिन बताया है बनिस्पत फेब और दिन ट्यूसडे। अच्छा जी, हम इसी तरह के फॉर्मेट्स को थोड़ा रीड करते हैं, सबसे पहले थोड़ा थ्योरी को रीड कर लें। तो टाइम स्टैम्प हमारे पास बाय डिफॉल्ट ऑफिशियल होगी, डिफॉल्ट टाइम स्टैम्प जो होती है वो करंट के हिसाब से उठा लेता है जो आपके कंप्यूटर की होगी। अच्छा, डी रिप्रेजेंट करता है हमारे डेट को, ठीक है, डे को 0 to 31, और एम हमारे पास मंथ के लिए और वाई ईयर के लिए, और
एल जो है लोअर केस के अंदर ठीक है आप लोगों के रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वीक के लिए। अगर आप वीक प्रिंट करवाना चाहें तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, साल का कौन सा वीक स्ट्रक्चर चल रहा है, यानी कि वीक का डे कौन सा जा रहा है, ठीक है। तो उसको डे को रिप्रेजेंट करवाने के लिए हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी डैशेस डॉट के साथ या जिस तरीके की फॉर्मेट में डेट लाना चाहते हैं तो वो आप ले आएंगे यूजिंग। अब मैंने डैश किया तो ये देखिए उसने डैश, और अगर यहां पे डी और केस में किया है तो ये देखें 21 फेब। आप चाहते हैं जी ईयर बाद में हो, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं, यानी कि हम लोग जैसे लिख रहे होते हैं डॉट के साथ डेट, तो डी डॉट एम डॉट वाई, तो अब ये वाई मैंने लोअर केस में लिखा है तो वो क्या करेगा 21 सिर्फ लिखा हुआ है। और अगर मैं इसी वाई को कैपिटल कर दूं ठीक है, तो ये देखिए आपके पास कंप्लीट डेटा। तो ये देखें हमारे पास इस तरह है, डेट को फॉर्मेट करने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर्स को ये डिफरेंट फंक्शन यानी कि फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम डेट के अंदर यहाँ पे आई लिख देते हैं, सॉरी एल लोअर केस में, तो उसके बाद इसको वो हमारे करंट डे जो भी होगा, तो आज हमारे पास ट्यूजडे है तो उसने ट्यूजडे को प्रिंट करवा दिया। तो बेसिकली ये हमारे पास डे फंक्शंस है। तो नेक्स्ट है जी, अब हमारे पास हेडर फंक्शंस। हेडर क्या होते हैं, ठीक है, हेडर बेसिकली अगर मैं कहूं हम लोग जब भी कोई चीज करते हैं वो एचटीटीपी रिक्वेस्ट के बिहाइंड सेट यूज कर रहे होते हैं। इन पीएचपी हेडर फंक्शन सेंड्स रॉ एचटीटीपी हेडर टू क्लाइंट व्हेन यू रिक्वेस्ट वेब पे टू ब्राउज बैक टू योर ब्राउजर। फॉर एग्जाम्पल मैंने जब ये लोकल होस्ट से ये लिखा, तो अगर आप लोगों ने ये आई के अगर इस मुकम्मल एड्रेस जो आपके पेज का होता है वो आप लोगों ने कभी किसी वेबसाइट का देखा तो https ठीक है लिखा होता है, तो वो बेसिकली हेडर फाइल की रिक्वेस्ट जा रही होती है, तो वो http हेडर इस्तेमाल हमारा हो रहा होता है बाय डिफॉल्ट। व्हेन यू रिक्वेस्ट अ वेब पेज टू ब्राउज बैक, यानी कि हमने जैसे मैंने सर्च किया गूगल, यानी कि ये देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे google.com हमारे पास ओपन हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ google.uk। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे यूरल आ रहा है, ठीक है, तो अगर मैं इस यूरल को थोड़ी सी वैलिडेशन है सिक्योरिटी अपडेट कर दी, यानी कि अब हम पाकिस्तान में यूके का वो गूगल ओपन नहीं कर, पहले हमारे पास हो जाता है, ठीक है, उसके लिए फिर हमें भी है। ठीक है, तो अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाके उसको यूरल, तो ये एचटीटीपी कुछ इस तरह के मुकम्मल आपका यूरल बनता है, तो वो हेडर फाइल के थ्रू उसको प्रोसेस कर रहा होता है। When you request a web page to browse back, ठीक है, हम लोग कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं तो हम लोग यू आर ऑल्सो ब्रिंग बैक समथिंग कॉल्ड एचटीटीपी हेडर। तो हमारे पास ये मैं आपको दिखाता हूँ हेडर्स कब आए थे, हम लोग इसको मैं इंस्पेक्ट करके आपको नेटवर्क में अगर दिखाता हूँ, ठीक है, तो हर रिक्वेस्ट के बिहाइंड हमारे पास ये डिफरेंट हेडर्स शो हो रहे होते हैं, ठीक है, और जो कि हम लोग सेंड कर रहे थे, क्योंकि फॉर एग्जांपल क्योंकि मैंने अभी पेज को असेस करने की कॉल भेजी तो मेरा रिक्वेस्ट का मेथड कौन सा था, गेट था, ताकि मेरा डाटा मेरे पास आए तो उसके बिहाइंड उसने मुझे जो इन्फॉर्मेशन, अगर एक इमेज का भी देखो कि इसकी भी गेट की कॉल है, ये इमेज का पाथ है, ठीक है, ये गेट की रिक्वेस्ट
उसका स्टेटस को, ये 200 होता है कि फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ सक्सेस, अगर आपका इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, अगर वाईफाई बंद कर दिया जाए, ठीक है, तो फिर आप देखना यहाँ पे आपका स्टेटस कोड 0 आएगा, ठीक है, फिर ओरिजिन, ये सारी चीजें यहाँ पे हेडर का, फिर उस रिक्वेस्ट के बिहाइंड जो रिस्पॉन्स आया है, जो मेरे पास डाटा आया है वो क्या है, ठीक है, तो क्योंकि गूगल का है तो गूगल के ये वाले आइकन्स और इमेजेस आए हैं, ठीक है, ये रिस्पॉन्स के फॉर्म में, ये उसका प्रीव्यू है उस रिस्पॉन्स का। तो हमारे पास हर, हम लोग डिफरेंट हेडर रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं। अच्छा, व्हेन यू रिक्वेस्ट अ वेब पेज, अभी हमने गूगल के वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट की, ठीक है, पेज ब्राइट बैक योर ब्राउजर, यू आर नॉट जस्ट ब्रिंग बैक वेब पेज, हमारे पास सिर्फ वेब पेज ही नहीं आ रहा, यू आर ऑल्सो ब्रिंग बैक समथिंग कॉल्ड HTTP header, अभी मैंने आप लोगों को HTTP header भी दिखाया। This is some extra information such as type of program, उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था type क्या है, request क्या है, date, times, everything available here. हम इसको क्यों use करते हैं, change page location, आपके page location आता है, उसके अंदर time zone आ रहा होता है, आपकी caching control आ रहा होता है, initial, ठीक है, force download आ रही होती है, और HTTP status अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो हेडर का सिंटैक्स ये हमारे पास, हेडर इनटू हेडर रिप्लेस टू HTTP रिस्पांस कोड, वो हमारे पास बेसिकली, उसको अगर हम असेस करते हैं हेडर को, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने हेडर ये लोकेशन ये google.com की ओपन करेंगे तो इसके बिहाइंड हमें रिस्पांस जनरेट होगा, ठीक है, ये भी हम इंप्लीमेंट करके भी अपने पास देख लेते हैं। तो हेडर हम लोग सेट करेंगे, ठीक है, हेडर है, द हेडर पैरामीटर्स होल्ड द हेडर स्ट्रिंग दैट स्टार्ट विद द स्ट्रिंग HTTP/, ये देखें HTTP/ के साथ ये हमारे पास स्टार्ट हो रही है। फिर उसके बाद है हमारे पास विच इज यूज टू फिगर ऑन HTTP स्टेटस कोड टू सेंड और कैन बी लोकेशन, इट इज अ मैंडेटरी पैरामीटर। फिर उसके बाद है डॉलर साइन रिप्लेस, इट डिनोट्स द हेडर शुड रिप्लेस प्रीवियस और एड द सेकेंड हेडर इन द ओरिजिनल पैरामीटर। फिर उसके बाद आपके पास HTTP रिस्पॉन्स कोड होता है, रिस्पॉन्स कोड मीन्स कि आपका वो सक्सेसफुली आपको असेस हुआ है या नहीं हुआ, तो उसकी ये आपके सामने एग्जांपल है, और ये एग्जांपल 2 है, ठीक है, ये आपका हेडर कब एक्सपायर होना है, ठीक है, वो सारे GMT, ये कैशे कंट्रोल का आ गया, नो कैशे, ठीक है, प्रोग्राम के प्रोग्राम है फिर नो कैशे, तो ये आपके डिफरेंट हेडर सेटअप करेंगे अपने वेब पेज के ऊपर। सो हमें इस हेडर्स की नो हाउ होनी चाहिए, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कैशे को यूज ना करे PHP, ठीक है, तब आप लोग ये इसको नो कैशे के लिए, कैशे कंट्रोल नो कैशे, फिर प्रोग्रामा भी नो कैशे कर देंगे, तो अब ये कैशे को नहीं करे, कैशे नहीं करेगी, ठीक है। और नेक्स्ट है जी PHP इंक्लूड फंक्शन, ठीक है, PHP इंक्लूड फंक्शन, और एक दो फंक्शन होते हैं, एक हमारे पास इंक्लूड है, एक है रिक्वायर, ये दोनों ही हमारे पास बहुत ज्यादा एडवांटेजेबल है। फॉर एग्जांपल मैंने एक यानी कि फॉर एग्जांपल मेन्यू बार बना के रख लिया, अभी तो हम लोग जिस तरीके से यूज कर रहे थे यानी कि HTML में, वहां पे हमारे पास ये है कि हमें कम्प्लीटली उसको बनाना पड़ता है, बट यहाँ पे इंक्लूड और रिक्वायर जो है ये बेसिकली हम जस्ट ओनली फाइल का नाम इंक्लूड आगे उसको फाइल का नाम दे देते हैं, तो वो उस वाली फाइल को उस पेज के अंदर अटैच करवा देता है। हेडर फॉर एग्जांपल यूआरएल बार की फॉर्म में अगर आपने एक हेडर की फाइल बनाई है header.php, फिर उसी तरह अगर मैं फुटर बना लिया, फॉर एग्जांपल डिफरेंट वेबसाइटें देखते ऊपर वाला, यानी कि जैसे आपका ये टाइटल बार, आपने एक दफा ये डिजाइन कर लेना, इसकी फाइल सेपरेट बना लो, ठीक है, यानी कि मेन्यू बार, और फिर उसके बाद आप इसी तरीके से कोई फुटर डिजाइन कर लेते हैं। हमने जिस तरह वन पेज एप्लीकेशन की, तो उसमें हेडर और फुटर के लिए मैंने डिव रखे थे, तो कुछ उस तरीके का काम करना मेरे लिए जरा आसानी हो जाती है अगर मैं इजीली इस चीज को मैनेज करना चाहूँ तो उसके लिए कि बहुत आसान काम हो जाएगा। अभी हम लोग ये प्रैक्टिकली भी करते हैं। तो हेडर बनाने का तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल हम लोग, क्योंकि सारा वर्क हमने यहाँ पे PHP में किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक न्यू PHP की फाइल बना रहा हूँ, header.php। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, HTML5 का स्ट्रक्चर यूज कर रहा हूं, और मैं यहाँ पे एक मेन्यू बार बना लेता हूँ, ठीक है जी। तो मेन्यू बार बनाने के लिए इजी वे UL या OL आप यूज कर लें,
मैंने यूएल इस्तेमाल किया है, फिर मैं उसके अंदर एल आई लिस्ट आइटम और एल आई के अंदर एंकर टैग को मैं कह देता हूं फॉर एग्जांपल होम, अभी मैं सिर्फ डिजाइन करने की तरफ जा रहा हूं, ठीक है जी। फिर उसके बाद इनको सारों को सेट भी हम करेंगे। होम सर्विसेज प्रोडक्ट्स ये मैंने एक फाइल बनाई, मैं इसको रन करता हूं। तो ये मैं अभी एक मेन्यू बार बना रहा हूं। पहला काम यह है कि मैं इसको अब स्टाइलिंग की तरफ जा रहा हूं, तो मैं यूएल के ऊपर कर देता हूं यूएल का लिस्ट स्टाइल नन, ठीक है जी, लिस्ट का मैंने स्टाइल खत्म कर दिया। दूसरा काम मैं इसके ऊपर, आप देखेंगे हमारे पास मार्जिन बहुत ज्यादा है, मार्जिन और पैडिंग अप्लाइड है। पैडिंग फिर बुरी नहीं लग रही है हमारे पास, ठीक है, बट मार्जिन की वजह से टॉप साइड पे मेरे पास स्पेस मेरी वेस्ट जा रही है। अगर आप रखना चाहें तो कोई इशू नहीं है, अगर आप मार्जिन रखना चाहते हैं तो रहे, बट एल आई जो है ये ब्लॉक आइटम है, इसके ऊपर मुझे वर्क करना है, तो इसको मैं कर रहा हूं एल आई को डिस्प्ले इनलाइन, फिर इसके अंदर हमारे पास एक एंकर टैग के नाम की चीज लगी हुई है, इसकी टेक्स्ट कलर जी। तो अब ये मैंने दो तीन काम किए हैं, तो उसके लिए मैं अब क्या कर रहा हूं, ये मेरा एंकर टैग का है, तो मैं जाता हूं अपने कोड में, एंकर टैग को क्लास दे देते हैं जी, क्लास इक्वल उसके बाद लाइक क्लास दे लेते हैं, क्लास
ठीक है जी, तो ये मेरे पास हो गया। अब मैंने इसका यूएल को इसको हम क्लास दे देते हैं नेव की, बैकग्राउंड कलर गोल्ड कर लेते हैं। ठीक है जी, अब हम इसकी थोड़ी सी डिजाइनिंग करते हैं। पैडिंग टॉप 20 ज्यादा हो गया है, 10 पिक्सल। पैडिंग बॉटम साइज ये मैंने एक हेडर बनाया। अब थोड़ा सा और काम कर लेते हैं। अब हम लोग इसकी लिस्ट आइटम के दरमियान मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन 5 पिक्सल काफी है। ये मैंने देखें हेडर डिजाइन कर लिया। ठीक है, तो हेडर डिजाइन करने के बाद अब नेक्स्ट काम ये है मेरा कि मैंने इसको अपने वेब पेज के अंदर सेट करना है। अब मैं हर वेब पेज के अंदर सेट करने अगर लग जाऊं ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो उसके लिए ये है कि हम लोग करते क्या है कि एक मैंने अब हेडर बना लिया, फॉर एग्जाम्पल ये। अब मैं जस्ट ओनली, यानी कि मेरे कितने वेब पेजेस हैं, ये फंक्शन फॉर्म, मैं हर किसी में ये हेडर नहीं बना सकता हूँ। ठीक है, तो मैं करूंगा ये कि मैं पहले जो भी मैंने उनके पेजेस के पाथ सेट करने हैं वो मैं कर लूंगा। मैं इस टाइम मौजूद हूँ, फॉर एग्जांपल मेरी मेन फाइल है, फॉर एग्जांपल date.php। वैसे होम के लिए हमें एक इंडेक्स फाइल बनानी चाहिए थी, भली बनी हुई है index.php। फिर उसके बाद दूसरी कोई भी कर देते हैं हम function.php, इस तरीके से जो भी। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं क्या करूं, जस्ट ओनली जाऊं अपने पास कोड में, इन
इंडेक्स के अंदर टॉप पे जाके जिस जगह पे मैं हेडर लाना चाहता हूं वहां पे टॉप पे इंक्लूड इंक्लूड करवाना है मैंने किसको, हेडर डॉट पीएचपी। अब मैं ठीक है जी, मेरा ये पेज कौन सा व्यू हो रहा है, इंडेक्स डॉट, मेरा हेडर मैंने डिजाइन कहां पे किया था, आ कहां पे रहा, ठीक है। अब ये मेरी फंक्शंस डॉट पीएचपी पे ले गया, बट फंक्शन में हेडर नहीं लगाया मैंने, तो मैं गया फंक्शन वाली फाइल पे, वहां पे जाके भी मैंने लिख दिया इंक्लूड हेडर डॉट पीएचपी। और अगर मैं अब देखिएगा ये पेज मेरा मौजूद है, इसको रिफ्रेश करूंगा, हेडर बनाया मैंने एक जगह पे है, बट वो मेरा मेन्यू बार वर्क कर रहा है, डिजाइनिंग एक जगह पे की। अब जहां मैंने क्योंकि अभी सिर्फ दो के यूआरएल सेट किए हैं, तो डिजाइन मेन्यू बार हमें हर पेज के लिए एक ही जगह पे बनाएंगे, उसको इंक्लूड करवाएंगे तो वहां पे हमें कॉल करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक एडवांटेज आ जाता है इंक्लूड का। अब हम थोड़ी सी थ्योरी रीड कर लें फिर आगे चलते हैं। इंक्लूड और रिक्वायर ये दो फंक्शंस हैं, ठीक है, जो कि हम द पीएचपी इंक्लूड एंड रिक्वायर स्टेटमेंट अलाउ यू टू इंक्लूड द कोड कंटेन इन पीएचपी फाइल। जो भी दूसरी आपकी फाइल के अंदर कोड मौजूद है वो आपका उस फाइल के अंदर आ जाएगा, आपको दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। अगर सेम कोड आपने कहीं पे डिजाइन करके रखा हुआ जो आप इस पे अपने करंट पेज के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप उसको इंक्लूड करवाएं, वो उस कोड को आपकी फाइल के साथ अटैच कर देगा विद इन अनदर पीएचपी फाइल। इंक्लूडिंग अ फाइल प्रोसीड द सेम रिजल्ट एज अ कॉपी ऑफ द स्क्रिप्ट फ्रॉम द स्पेसिफाइड एंड पेस्टेड इनटू द लोकेटेड विद इन कॉल। और ये सिमिलर ऐसे होगा जैसे आपने वहां पे जो डिजाइन किया आप जैसे उधर दूसरी जगह पे कॉपी पेस्ट हो गया। इट हेल्प्स टू सेव लॉट ऑफ टाइम, ये हमारा बहुत टाइम बचाता है। टाइम क्यों बचाता है, या तो ये था मेरे पास कि मैं दोबारा यहाँ पे मेन्यू बार बनाता, दूसरा तरीका भी है कि मैन्यू बनाया मैंने एक जगह पे है, अब जस्ट ओनली मैंने उसे कॉल दी और उसको यूज कर रहा हूं, तो ये इंक्लूड का सबसे बड़ा एडवांटेज है। द बोथ स्टेटमेंट्स वर्क लाइक सेम एक्सेप्ट वन फेलियर, इनके अंदर एक इशू है, रिक्वायर विल प्रोड्यूस अ फटल एरर, ठीक है, रिक्वायर क्या करता है एरर जनरेट कर देता है एंड स्टॉप द स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट को रोक देता है। इंक्लूड विल ओनली प्रोसीड अ वार्निंग, वो सिर्फ और सिर्फ वार्निंग देता है and the script will continue और script बाकी कोड को चला, अगर require नहीं चलेगा तो वो उसके अंदर error दे देगा और वो फाइल को execute नहीं करेगा, error दे देगा totally। मगर include क्या करेगा, वो error नहीं देगा, अगर इन केसों में path नहीं मिला, ये वो फाइल नहीं मिलती तो वो आपके पास बाकी जो चीजें हैं यानी उसकी warning show कर देगा कि ये वाली फाइल नहीं मिली है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पी एच पी के स्पेल गलत कर देता हूँ, मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करवा देता हूं, ठीक है। ये देखिए मेरा वो नीचे वाली कोड ऊपर वार्निंग दे दी है उसने हेडर की कि हेडर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसकी वार्निंग दे दी, नीचे वाली फाइल मेरी चल रही है, ठीक है। और अगर मैं रिक्वायर यूज करता तो फिर क्या होता, बल्कि ये काम मैं आप लोगों को यहां नहीं दूसरी दिखाता हूं इंडेक्स पे क्योंकि उसके ऊपर कोड ज्यादा है। ये मैं रिक्वायर में कन्वर्ट कर दिया, रिक्वायर और दोनों की फंक्शनैलिटी सेम ही है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखिए अब रिक्वायर लगा हुआ है, रिक्वायर अगर मैंने लगाया हुआ, ये रिक्वायर का फंक्शन यूज किया और मेरे पास स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, यानी कि फाइल ये क्योंकि हेडर ये वाली फाइल तो है ही नहीं कोई, तो उसने पूरा एरर दे दिया, उसने बाकी कोड को भी नहीं चलाया। और अगर यही काम मैं
इंक्लूड के जरिए डील करता और कर इसको एग्जीक्यूट करता, तो क्योंकि प्रॉब्लम तो ये ना कि मेरा हेडर उसके साथ अटैच नहीं हुआ, बाकी काम मेरा नीचे का जो काम है वो चलेगा, सिर्फ हेडर की जगह उसने वार्निंग शो कर दी है। सो इसलिए कह लें कि इंक्लूड के पास एडवांटेज है, वो आपके बाकी चीजों को शो कर देगा, मगर रिक्वायर आपके पास मुकम्मल एरर दे देगा और वो उसको चलने ही नहीं देगा, मुकम्मल पेज को चलने नहीं दे रहा। तो ये डिफरेंस है आपके पास रिक्वायर और इंक्लूड में। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग हमेशा इंक्लूड इस्तेमाल करें, बट अक्सर हमारे पास ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि हमने एरर शो करना ही नहीं, हम मुकम्मल पेज ही बंद कर देंगे, तो उसके लिए हम लोग फिर रिक्वायर ही लगाना पड़ता है। तो यह इट्स ऑन द बेस ऑफ अवर वर्क, हम किस तरीके के काम करने जा रहे हैं तब हम लोग इसे परफॉर्म करें। तो अब ये देखिए हमारे पास वर्क कर, मैंने दो ही पेज अटैच कर, मैं आप लोग ज्यादा अटैच कर देंगे तो उनके साथ भी ये वर्क करेंगे। तो एक जगह पे एक चीज बना के रख लीजिए और उसको बार बार अटैच, यानी कि कोड को कॉपी पेस्ट करने या दोबारा जरूरत नहीं है, जस्ट ओनली आप लोग क्या करेंगे उसको एक ही मरतबा में, यानी कि हेडर बना लें, यानी कि मेनू बार बना लें और उसको रिक्वायर कर लें, बाकी या इंक्लूड कर लें, वो आपके पास मुकम्मल अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर देगा। अब हम इसकी थ्योरी डील कर लें। अच्छा जी, सिंटैक्स क्या है, इंक्लूड डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर फाइल नेम और उसके पास सेमीकोलन, या अगर आप रिक्वायर लगाते हैं तो रिक्वायर कीवर्ड है, फिर उसके बाद आपके पास सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर फाइल नेम और सेमीकोलन लगा देंगे तो ये आपके पास इंक्लूड कर देंगे। तो ये आपके पास एक उसकी एग्जांपल है, जिस तरह की आप हेडर फुटर ये जो भी कोड आप लाना चाहते हैं, जो आप रीयूज करना चाहते हैं अगेन एंड अगेन, तो वो आप यूज कर सकते हैं। जी यहाँ तक किसी की कोई क्वेश्चनिंग है तो वो पूछ सकते हैं।